तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार बहुमत के साथ सत्ता बनाई है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत लाकर सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। इस पर अमृतसर के लोगों की राय क्या कुछ है, सुनिएगा। दिल्ली दे विच दूसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनने ते अरविंद केजरीवाल वालों लोगों को वधाई भी दी गई। तो नाल उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने यह साबित कर दिता है कि धर्म की राजनीति छड़ के लोगों ने कामों को देखते हुए जिहड़े वोट पाई है, हुण इसका असर जिहड़ा पंजाब ते कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना सी कि यह मॉडल को देखते ही पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार है वह बनन जा रही है आने वाले इलैक्शन दे विच। पंजाब दे लोग की सोच रहे हैं, किस तरह की उन्होंने राय है, अज असी खड़े अमृतसर दे विच लोगों की राय जानांगे कि आम लोग की महसूस करते हैं, क्योंकि दिल्ली की इलैक्शन के भारी बहुमत के नाल आम आदमी की पार्टी की जिहड़ी सरकार है बनी है। गलबात करने के लिए साडे नाल कुछ स्थानिक लोग मौजूद ने। सर, की नाम तुहाडा? मेरा अनिल कुमार जी। अनिल जी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार बड़ी मेजोरिटी के नाल बनी है, इहदा जिहड़ा असर पंजाब ते किन्ना कु देखण नूं मिलेगा? पंजाब च असर बहुत ज़्यादा पएगा जी। पंजाब च कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वह कहिंदे 11 लाख नौकरियां दित्तियां, 11 किसी नूं 11 नौकरियां भी नहीं मिलियां, स्मार्टफोन किसी नूं नहीं मिले, कोई कारोबार नहीं, कारोबार वैसे बंद होए पए। अभी तो यही चाहते हैं भी आप भी पंजाब दे विच आवे, जो उन्होंने वादे दिल्ली में किए उन्होंने पूरे किए, जो पूरी मेजोरिटी के नाल आए इतने, कांग्रेस पूरी मेजोरिटी है, कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया। बिल्कुल तुहाडी उस गल ते कहणा कि कांग्रेस का तो खाता भी जिहड़ा उत्थों दी जनता ने खोलन नहीं दिता, उन्होंने विपक्ष में बैठने का जिहड़ा हक है वह भी खोलिया, इहनूं किस तरह देखते हो? अभी तो यही चाहते हैं भी जे आपने काम किए है पंजाब दे विच कांग्रेस का भी बिल्कुल सफाया हो जाएगा। जे इहो हालात रहे तो भाजपा कांग्रेस अकाली दल किसी ने किसी का कुछ नहीं सवार रहा, सिर्फ अपने ढिड भरे है। आम आदमी जिहड़ा है आम आदमी होर नीवा हो जाता पे, इतने बिजली का बिल देख लो तुम 10 रुपए यूनिट बिजली का बिल है, दिल्ली से फ्री बत्ती की है। होर भी लोग ने उन्होंने भी राय ला लेने। सर, की नाम तुम्हारा? राजेश। राजेश जी, किस तरह देखते हो इस दिल्ली के इलैक्शन? दिल्ली की इलैक्शन से पहले मेरे वालों केजरीवाल जी ने बहुत बहुत मुबारक, जिन्होंने बड़ा व्डा एक जन समूह उतों की पब्लिक ने अपना पुत समझ के उन्होंने जिताया, तो उन्होंने बहुत बहुत वालों मुबारक। पर दिल्ली के जी भी जित हुई है वो एक नफरत की, भ्रष्टाचार की, तो प्लस जो देश नूं वंडन की जी उन्होंने ज नीतियां जड़ियां कीतियां ही BJP वालिया ने, उन्होंने दरकिनार करते हुए जनता जनादन है उन्होंने केजरीवाल नूं पूरा समर्थन दिता है, तो अपना पूरा भारत बचा लिया। जिस तरह कांग्रेस का उत्थे खाता भी नहीं खोलिया, कि आने वाली पंजाब की इलैक्शन के विच इहदा फर्क पएगा? पहली गल तो यह है वे कि जनता जनादन है जी, जिहड़ा उत्थे भी अगर उन्हां दा नहीं खाता खुलिया, ये जनता की सोच है, जनता ने जो चंगा समझिया वो उत्थे कीता है। पर जिहड़ा साडा पंजाब दा जिहड़ा माहौल है वो दिल्ली नालों थोड़ा अलग है, इत्थों दी जनता भी थोड़ा जिहा बदलाव चाहती जरूर है, कि जिहदे कारण आपां कुछ ना कुछ आपां अपने पंजाब लई कर। बिल्कुल, पंजाब की जनता जिहड़ी इस बार बदलाव चाहती, उन्हां दा कहना है कि जिहड़ी वोट बैंक के तौर पर उत्ते जिहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां पब्लिक नूं यूज़ करदियां, लेकिन इस बार जिहड़ा है वो उन्हां चीज़ां नूं उठ के जिहड़ी है वह कम्मां नूं देखदे हुए जिहड़ी है वह वोटां पाणगे, ते सरकार जिहड़ी है उस बार मूड जिहड़ा है उन्हां दा कि सरकार कोई ऐसी आवे जिहड़ी कि आम लोगों वास्ते सहतमंद होवे, ते नाल ही आम लोगों के व्यापार नूं चलावे, नाल ही जिहड़े वादे सरकारां जिहड़ियां करदियां वह भी पूरे करन ते सक्षम होवे, ते नाल इन्हां दा एक साफ तौर पर कहना है कि नशा जिहड़ा सब तो ज़्यादा पंजाब दे विच है उन्हूं रोकण दे विच कितने कांग्रेस की जिहड़ी सरकार असफल साबित हुई है। कैमरा परसन अमन माल दे नाल जसबीर सिंह, जनता TV, अमृतसर।